बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? तो आज हम बना रहे हैं मूली के परांठे। सुबह सुबह गया मैं, 6 बजे 5 बजे मैं गया बाग से मूलियां तोड़ के लाया। बिट्ठी ने धो के रखी। क्यों बिट्ठी जी? हाँ, जैसे कि आपको पता सर्दियां आ गई हैं, आलू के परांठे, मूली के परांठे और ये चीजें आपको पता है, ऐसी जो परांठे हैं सर्दियों को अच्छे लगते हैं। तो अच्छे लगते हैं। बिट्ठी ने मूलियां काट के रख ली और धो के रख ली है, और जो है ना ये आटा भी धोने भी और काटने भी है। नहीं मतलब इन पे तो मट्टी लगी हुई थी ना जब जमीन से निकाली। अच्छा। थी भूल गए? नहीं मैं, ये कितनी पतली है ये बेचारे को जल्दी आपने खींच दिया मोटा नहीं होने दिया। तो ये मूलियां लाए हैं और ये आटा भी भून के रख लिया। चलो आज बनाते हैं और देखते हैं बिट्ठी कैसे बनाती है मूली के परांठे। जान को बोल दिया कि आप ना मूलियों को कश कर दो, कश ही बोलते हैं ना। हाँ, इसके साथ करेंगे। हाँ भाई, ये भी है लेकिन बड़ा भी, लेकिन ये वो छील रहे हैं। हाँ, उससे साथ मोटी हो जाती ज्यादा। तो अभी मैं बनाने लगी इसका मसाला, धनिया वनिया काट के। यहाँ पे जो हमारी मूली कश है वो भी हो चुकी है, और मैंने जो मसाला था हरी मिर्ची और धनिया जो मैंने काट के रख दिया है, और यहाँ पे प्यार हो रहा है। और लिया ने देखो बुग्गे के साथ क्या किया अपने। तो ये जानने नहीं बनाई, वो सब बस इतनी बहुत है, थक गया हूं मैं। तो चलो थोड़ी सी मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं बस बहुत है जान, मैं कब बहुत है। दो तो परांठे हमने बनाने हैं। यहाँ पे बिट्ठी पहले इसका जो है ना पानी निकाल रही है। पानी निकालना जरूरी क्यों? जरूरी है। छो बंद कर दो, बंद कर दो काका। पति ने 6 बच्चों है क्या बोल रहे हैं? पति ने 6 बच्चों को जन्म दिया। ये डिजाइनिंग बताते हैं ना घर का, ऐसे ऐसे बनाओ। ये देखो कितना पानी निकल रहा है। ये तो मोबाइल मांग रही है। दे दो ना, 2 मिनट दे दो, काम तो करने दो ना। बस भूल गई पूरी तरह। कट और कट का पानी निकाले ना, तो फिर वो परांठे टूटते नहीं है, है ना? जी हाँ। ये बिट्ठी ने हरी मिर्ची और ये धनिया काट के रखा है, बस यही डलेगा और नमक मिर्ची, और फिर बनेंगे टेस्टी टेस्टी मूली वाले परांठे। यहाँ पे बिट्ठी ने हरी मिर्ची, धनिया और टमाटर, ओ क्या था, मूली यहाँ पे बिट्ठी ने हरी मिर्ची और क्या डाला है, धनिया, और अब नमक मिर्ची जो है ना डाल रही है। वो डाल रही है, वो नमक लेने वाला हमारा बड़ा तेज है, इसलिए हम इसको थोड़ा कम भी ऐड करते हैं कि बाद में चेक करके तो बंदा डाल लेता, क्योंकि ज्यादा हो गया तो निकलेगा नहीं, कम होगा तो डल जाएगा। ज्यादा होगा तो एक मूली डाल देना, सिंपल। आपका तरीके ही, आपका तरीके ही, आपको मूली डालते रहे, पता ही नहीं, कैश करो ये करो वो बनी होती तो फिर बंदा कर भी लेता। तरीके ही नहीं पता, तरीका पता है लेकिन टाइम लग जाता ना। बड़े मजे के बनते हैं मूली के परांठे और साथ में गरम गरम चाय, साथ में साग। लो साग भी अच्छा लगता है इसके। अच्छा फिर क्या लगता है? अच्छा चाय, चाय पराठा। क्या हुआ? मैं बात कर रही हूँ अपनी। मैंने बोला खुदा से दुआ कर दी कि खुदा बंदा अगर इस दफा मेरी दुआ सुनिया तो उसको कबूल करना। ये बंदा नहीं चाहता, तुम्हें पता है, ये नहीं चाहता मेरी जगह कोई जाए। वो तो बच्ची, वो क्या चाहेगी, वो यही चाहती है मेरी जगह कोई ना आए। तो यहाँ पे मैं आप क्या देखना इसकी और उसकी नए वाले की दुश्मनी कैसे होती। दुश्मनी तो होगी ना। ये जो है वो कर लिया हमने, मसाला बना के ऐड रख लिया मैंने इसको। मैंने चेक भी किया लेकिन उसमें मुझे मिर्ची तेज लग रही है, मिर्ची तेज अच्छी लगती है, थोड़ा स्पाइसी। हाँ फीके तो परांठे आपको पता किसी अच्छे लगते ही नहीं है, फीकी कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। रात को हमने बनाई थी दाल, मैंने सोचा नहीं जान, वैसे मैं पता क्या सोच रही थी मैं, कहा जान पता नहीं इतनी देर लगा के आया, क्या पता मेरे वो लेके आए। तो फिर मैंने देखा मैं बाहर आई, मैं पूछती रही कहाँ इतनी देर लगा दी, कहाँ लगा दी, उन्होंने बताया नहीं। तब फिर मैं बाहर आई दूध बनाने के लिए बच्चों का, तो फिर मुझे पता चल गया ये मूली ले चला गया होगा, बाग में मूली तोड़ने गया था इसलिए टाइम लग गया। अब आ गया मसाले को टाइम रखने का। ओहो टाइम आ गया मसाला रखने का, टाइम आ गया उसको पैक करने का परांठे को।
ये इतना सा बहुत है। तवा रखा नहीं, आग जलाई नहीं, परांठे बना रहे हैं जी, पता नहीं कहाँ से आए हैं ये। क्योंकि जो होता ना तवा, वो जलता रहता, फिर आप बोलते यहाँ पे धुआं हो गया और मेरा हो गया सांस बंद, इसलिए मैं आपका ख्याल रखती हूँ। सांस नहीं बंद होता, नोज बंद होता है, नोज भी नहीं बंद होता, दिल खराब होता है, दिल खराब होता है। तो वही ना, जब धुआं हो जाए तो कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। तो जान ने सुबह सुबह नेहा को खिला दी हरी मिर्ची का बीज, तो उसको बाद में मैंने चीनी खिलाई। नेहा तो बताना, क्या बता, क्या खिलाया था? अभी वो बोल नहीं सकती, वो ना मैं बता भी देती। बस ये बोल, क्या क्या बोलती है, पागल। उसका कहीं काम खराब कर दो तो कहेगी पागल। सोनू इधर आना, लाठी और इधर तो आ जरा, क्या कहती है? कैमरे के साथ हेलो हाय नहीं करनी, मुझे तो नहीं ये पसंद। क्या पसंद है? मुझे सैमी पसंद है। अच्छा, ये तो जरा नहीं पसंद मुझे, ये मुझे जरा नहीं पसंद। कौन कौन नहीं पसंद? मुझे सच में, वैसे तो बंदा अगले बंदे ने वेख के टाइम पास, आप भी नहीं पसंद। और बोलो, यही सुनना चाह रहे थे ना, यही चाहते थे ना, जो आप चाहते थे बोल दिया, नहीं पसंद। फिर भी हम रहेंगे। क्या मोबाइल से बहुत रोती है ना, रात को उसको नहीं दिया ना, फिर सेटर हो गई ना। मैं जान को बोलती नहीं दिया करो, फिर मैं बोलता हूँ नहीं दिया करो और बिठी दे देती है। मैं नहीं देती जान, उसको तोता तोता देता है। क्या क्या बोल रही है? तोता लगा दो। देखो ये बनने वाला है पराठा हमारा, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। इसको अभी रख देते हैं यहाँ पे, अभी करते हैं इसका स्टार्ट। बच्चों के लिए तभी बनाओगे जब आएंगे। मैं सोच रही थी बना कर रख देती हूँ, क्या पता वो बोले हमने मूली वाले खाने ही नहीं, फिर क्या। हाँ, अगर दूसरे बनाओ तो वो फिर वो नहीं खाए। अंजलि कहेगी मुझे तो ताजा पराठा बना के दो, सैम मेरा बेटा खा लेता, और अंजलि बहुत नखरे करती है। अंजलि तो सुबह एक मिनट लेट हो जाए तो रोती है, रोती है एक मिनट की। बस अभी इतना टाइम होता है, अभी सुबह मैंने बोला देखो अभी अंजलि 7:30 कहती है, तो आधा घंटा तो अभी पड़ा हुआ, कहाँ इतना टाइम है। क्या रोटी बना दी थी? कहती तवे पे डाल दो, और आपने ऐसे डाल दिया, तवे पे डाल दी थी। ये जी पराठा चढ़ गया ऊपर, पराठा बन गया। मैं डर रही थी पराठा खुल ना जाए। क्या दे दू? सालन दे दो, रोटी दे दे। कहने वो दे दो, मतलब चाय मांग रही है ना, वो दे दो। रोटी देखो बना के दे, बोल दे वो दे दो। क्या दे दू, क्या गिराए? बिस्किट पीछे है, चाय डाल के जान, इसको कप में डाल के दे दो। ये लो, आ जा कक, वहां पे बैठ के खा लो, इधर आओ। वो भी उठ गया काके, चिंता करा जान। हाँ जी, ये जी हमारा पराठा जो है तकरीबन रेडी हो गया। जोया जा जर्सी जर्सी पहनो पापा, जोया जा क्या ढूंढ रही हो? जा खोला और देखो बिस्कुट। देखो बिस्तरों पे नहीं गिरा दे, वो नीचे वाले खा लिया। हाँ, वो मैं रख भी दी थी, वो तो मेरे खा देती टाइम से, जैसे वो अंगली लोग जाते हैं ना तो वो खा के ऊपर करते। पराठा तकरीबन बन चुका है, आप भी ऐसे पराठे बनाएं और मजे करें और खाएं। मेहनत करो पहले, कुछ मेहनत नहीं करते बोलते, मेहनत के बिना ही मिल जाए।
कुछ भी खाना पकाना हो ना उस पर बड़ी मेहनत होती है। हमने एक दफा वो बना लिया था चरगा, चरगा तो उस पर बड़ा बना, बहुत अच्छा था लेकिन टाइम ऐसे हमने लेग पीस पकड़ा, चिकन बाकी नीचे रह गई, लेग पीस साथ में आ गया। और अंजलि अभी तक बोलती कि मम्मा वैसा बनाओ, है ना, बनाओ, मेहनत बड़ी होती है, टाइम बहुत लगता है ना। हाँ कोई भी चीज है ना उस पर टाइम लगता है, वो सुबह अगर सोचे तो रात तक बनता है ना। मतलब अगर ऐसे मतलब कि जिनके लकड़ियों का चूल्हा उनके तो उनके लिए तो और ज्यादा मुश्किल है, जिनके पास कोई बर्तन नहीं उसको ऐसे जो होते ना जो कि कोई ओवन में बनाते हैं ना, अभी हमारे पास तो तब ओवन है ना, ओवन था लेकिन हमने बनाया ही दूसरा था। हाँ वो जो उसके पहले हमने भाप पे स्टीम पे बनाया था तो पहले हमने सही पक भी जाता है। भाई बुकार से एक दफा बनवा के लाया था ना ओवन में, क्या बकरे का लेग पीस था तो लेकिन वो गला नहीं था पता नहीं, वो तो खा पी गए थे सब, खा तो गए थे लेकिन वो ये हो गया है जी रेडी। और इसको अंदर से खोल के दिखाओ, बंद कर दो। अच्छा।